पूरे मल्ले नू दस दे तू सेब खान रही है। चप चप लाई थानू पता अपने गवांडी साड़ियां सारियां गल्लां सुनदे ने की मैनू लगदा घर दियां दीवारां उच्चियां करनियां पैणियां। रहन दो तुसी फिर मैं उन्हां दी गल्लां किस तरह सुनांगी। तू ना सुधरी। हाय हाय अज ते गुस्से विच भी बड़ी सोहनी लग रहे हो। अजकल ना मैं नोट कर रही हाँ थोड़ी अखां विच ना मेरे लिए बड़ा ही प्यार नज़र आ रहा वा। सही कह रही है तू। अच्छा है दसो मेरी अखां विच की नज़र आता थानू। गिद्दा गिद्दा नज़र आन रही तेरी अखां च जाके मुंह तो तुसी मैनू कमेंटा च पुछते रहिंदे हो ना कि मेरे हुसन दा राज की आ। वेल ए वेखो स्पेशल तेल सिर्फ चार कतरे लाओ तो चेहरे च लश्कारे आ जांदे आ क्योंकि इहदे विच ना विटामिन सी आ। होर भी बड़े तेल आ मेरे को ए वेखो ए ना कालियां अखां वास्ते आ जे तुहाडी नींदरा नहीं ना पूरियां हो रहियां ते ए लाओ फ्रेश लगोगे। ते वेखो तेल ए ना गंजेपन वास्ते आ ते इनू लाना थोड़े वाल इन्ने मजबूत हो जाते हैं ना बिल्कुल साड़ी रिलेशनशिप की तरह। ओए जखान नू की आ थारू किन्नी गल दसा जब मैं स्पॉन्सरशिप वीडियो कर रही हूं तो मैं अज टोके ना करो मैनू। सॉरी मैं अपने खर्चे भी तो पूरे करने हैं ना। एनीवेज तुसी ना IQ वैबसाइट ते जाओ उत्थे हर किस्म दा तेल पिया वा ते ध्यान ना किथे तिड़क ना जाना। मैं ना थोड़ी देर अपनी मां वल चली हां तुसी भी आ जाओ। मैं कोई नहीं जाना उत्थे। हां आप ही जा। क्यों जिथे मेरी इज्जत नहीं ना मैं नहीं उत्थे रहंदा। इत्थे भी ते कई सालां तो रहंदे पए हो। इन्नो की हो गया जुरत मत करना घर से कदम बाहर रखने की। जाओ तुम इधर। तू कितने गवाची अज मैनू सज्जल नजर आई सी बड़ी परेशान लगन डई सी बेचारी। पता नहीं कई दिन तो ना उन्होंने घर चो अजीब जीब आवाजा आन डी वा। शर्म कर ओह जी आवाजा नहीं पता नहीं मेरा दिल घबरा डिया वा जरूर कोई गल आ। थानू की लगता Thank you.
हाँ क्या चाहिए? जुर्रत मत करना घर से कदम बाहर रखने की। याद रखना मेरा हक है तुम पे। सज्जल मैं चाहवा तो इन्हू जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मैं चाहनी है कि तू जवाब दे। हक? मुझे थप्पड़ मारने का हक, मेरी तजलील करने का हक, या अपने पाँव की जूती बना के रखने का हक? आखिर किस हक की बात कर रहे हो? तुम अपनी जुबान को लगाम दो। अब मैं तुमसे यह हक छीनती हूँ। क्या कहा तुमने? वही जो शायद मुझे पहले थप्पड़ पर कह देना चाहिए था। ना मैं तुम्हारी कोई जागीर हूँ और ना ही कभी होंगी। तुम अपनी औकात भूल रही हो सज्जल। नहीं रजा, आज ही तो अपनी औकात याद आई है। चल सज्जल। रुक जाओ तुम इधर, बता रहा हूँ तुम्हें। रजा बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? माँ जी आप तुम्हारे अब्बा अगर यूं मुझ पर हाथ उठाते तो क्या करते तुम? जवाब दो मुझे। जब अपनी औलाद ऐसी हो तो औरों से क्या शिकवा करना। आज एक माँ को जो भी दर्द मिला है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इस बात का क्या ताल्लुक है? क्योंकि मेरी मर्जी। अगर हमने औरतों के साथ इम्तियाजी सलूक और नाइंसाफी से लड़ना है तो हमें घर से शुरू करना होगा, क्योंकि अगर एक औरत अपने घर में महफूज नहीं तो वो किसी और जगह भी महफूज रहने की तवक्कु नहीं कर सकती।